आज की इस वीडियो में हम लोग अपने मोबाइल से बनाना सीखेंगे ऐसा डीजे वॉइस टैग। डीजे गोलू, डीजे सोनू, डीजे मुकेश, डीजे राजेश। सो विद द हाई-फाई, लेट्स माही 5। वेलकम एवरीवन टू माही 5। मैं हूं माही और आप मेरे साथ हैं म्यूजिक ऑन मोबाइल में। जो लोग लोकल डीजे रिमिक्स या ढोल की रिमिक्स बनाते हैं या पसंद करते हैं, उन्हें उसमें एक चीज बहुत पसंद आती है, वो है डीजे नेम टैग। डीजे नेम टैग अपने मोबाइल से हाई क्वालिटी में बनाने के लिए हम दो एप्लीकेशंस का यूज करेंगे। पहला है नैरेटर्स वॉइस और दूसरा है ऑडियो इवोल्यूशन, जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग नैरेटर्स वॉइस को ओपन करेंगे और यहाँ जो ये आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लैंग्वेज में हम हिंदी इंडिया सेलेक्ट करेंगे और वॉइस में अगर हम बॉय की वॉइस बना रहे हैं तो नील और गर्ल की बना रहे हैं तो लेखा। अब बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डीजे राजेश। इससे बाहर आने के लिए वापस ऊपर कहीं पर भी क्लिक करेंगे। अब प्ले करके सुनते हैं। डीजे राजेश। ये थोड़ा फास्ट लग रहा है तो हम इफेक्ट के आइकन पर क्लिक करके फिर सेलेक्ट पर क्लिक करके स्पीड चूज कर लेंगे और यहाँ से रेट -3.0 रखेंगे। सुन के देखते हैं। डीजे राजेश। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हालांकि नैरेटर्स वॉइस ऐप में भी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें वो देसी फील लाने के लिए हम इसे ऑडियो इवोल्यूशन में एडिट करेंगे। अब हम करेंगे एक्सपोर्ट के आइकन पर क्लिक और यहाँ पर चूज करेंगे सेव। ये आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल का क्या नाम रखना है। यहाँ नाम डीजे ही रख लेते हैं। ये फाइल फोन में सेव हो चुकी है। अब हम ओपन करेंगे ऑडियो इवोल्यूशन को। प्रोजेक्ट में जाएंगे और इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और नैरेटर्स वॉइस फोल्डर में से अपना नेम टैग सेलेक्ट कर लेंगे। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है और अब हम इसमें से 4410 बाइट रेट सेलेक्ट कर लेंगे। प्ले करके सुनते हैं। डीजे राजेश। अब सेकंड डॉट पर क्लिक करेंगे और हाई को 7 dB बढ़ा देंगे। थर्ड डॉट पर क्लिक करेंगे और चूज करेंगे टोन बूस्टर्स का कंप्रेशर। थ्रेशोल्ड को रखेंगे -17, रेशियो को रखेंगे 2.2 और मेकअप गेन को रखेंगे 9 dB। नेक्स्ट सेकंड इंसर्ट में सेलेक्ट करेंगे टोन बूस्टर्स रिवर्ब। रिवर्ब टेल को रखेंगे 1 सेकंड और मिक्सर को रखेंगे 30%। थर्ड इंसर्ट में चूज करेंगे डिले और मिक्सर को रखेंगे 30%। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्ले करके देखते हैं। डीजे राजेश। कुछ मिसिंग लग रहा है ना। यहाँ खेलेंगे हम एक बेसिक सी ट्रिक। सबसे पहले हम इसे जूम करते हैं और डीजे और राजेश के बीच का पॉइंट ढूंढेंगे। राजेश। वो पॉइंट मिल जाने के बाद स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और वहां से क्लिप को 2 पार्ट्स में बांट देंगे। अब स्क्रॉल सेलेक्ट करेंगे और जूम को कम करेंगे। अब प्लस पर क्लिक करके ऐड ऑडियो ट्रैक्स पर क्लिक करेंगे और 2 ऑडियो ट्रैक्स ले लेंगे। अब एडिट पर क्लिक करेंगे और सेकंड पार्ट को थोड़ा दूर ले जाएंगे। स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट पार्ट पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ रिपीट सेलेक्ट करेंगे और रिपीट करेंगे बस एक बार। ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ये 2 बार आ गया है। एडिट पर क्लिक करेंगे और ये दूसरे वाले को ड्रैग करके नीचे वाले ट्रैक में ले आएंगे और इसे थोड़ा सा अलग खिसका देंगे। इसके बाद इसकी वॉल्यूम को थोड़ा डाउन कर देंगे, लगभग -2 dB। अब एडिट पर क्लिक करेंगे और राजेश वाले पार्ट को आगे लाएंगे और पीछे के इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे और इसे 2 बार रिपीट कर देंगे। एडिट पर आएंगे और जो पार्ट हमने रिपीट करे हैं उन्हें नीचे ड्रैग करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। वॉल्यूम सेकंड वाले की -2 dB और थर्ड वाले की -3 dB। स्क्रॉल पर क्लिक करके जूम आउट करेंगे। अब सुनते हैं फाइनल रिजल्ट। डीजे राजेश। सो ये है वो देसी डीजे वॉइस टैग जिसे हम लोग नॉर्मली डीजे रिमिक्सेस में सुनते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो मुझे भी अपना प्यार दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।